बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स वो आर स्टडिंग यूनिट नंबर 3, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। एंड इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस। इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, इफेक्ट्स होते हैं असरात, डिफरेंट फैक्टर्स के क्या असरात हैं फोटोसिंथेसिस के ऊपर। वो फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, वो फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं। जो चीज़ें यूज़ होती हैं वही उसके फैक्टर्स होंगे। जैसे सनलाइट ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है, और इसके अलावा क्लोरोफिल की प्रेजेंस ज़रूरी है। ठीक है, ये चार चीज़ जो मेन फैक्टर्स हैं फोटोसिंथेसिस के, लाइट, टेम्परेचर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल आर नेसेसरी फैक्टर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। इफ़ एनी ऑफ दीज फैक्टर्स फॉल्स टू अ लो लेवल, फोटोसिंथेसिस स्लो डाउन और स्टॉप्स। ये जो पांच चीज़ें हैं ये क्या हैं फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी फैक्टर्स हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज़ भी लो, उसका लेवल लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगी, तो क्या होगा, उसका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा वो या तो ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाइट को। प्लांट्स ट्रैप सनलाइट टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस एज अ लाइट इंटेंसिटी इंक्रीजेस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा जैसे ही सनलाइट इंक्रीज होगी। ठीक है, लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होने के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा। अब जैसे धूप निकली होती है तो धूप में जो फोटोसिंथेसिस होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन अगर बारिश वाला मौसम हो जाता है तो धूप ना निकले तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो होगा वो कम हो जाएगा। रिकॉल विच स्ट्रक्चर ऑफ लीफ ट्रैप्स लाइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ उन्होंने कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है लीफ का वो लाइट को ट्रैप करता है। तो हमें पता है इसमें क्या आएगा, क्लोरोफिल आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड विच प्लांट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम एयर इज़ एन इसेंशियल कम्पोनेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इन एयर में प्रेजेंट होती है, ये क्या है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होने के साथ साथ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी इंक्रीज हो जाएगा। द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज़ अबाउट 0.03 to 0.04%। जो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी अमाउंट कितनी है, वो तकरीबन 0.03 से लेके 0.04 है, मतलब पूरा 1% भी नहीं है। द हायर द टेम्परेचर द फास्टर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन एक खास लिमिट होती है इसकी भी। नॉर्मली प्लांट्स ग्रो वेल एट 25 to 35 degrees centigrade। टेम्परेचर बिलो 0 degree एंड अबव 40 degree आर नॉट सुइटेबल फॉर प्लांट ग्रोथ। वाटर है, आगे वाटर इज ऑल्सो वन ऑफ द रॉ मटीरियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इज रिक्वायर्ड इन लिमिटेड अमाउंट। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल इज अ ग्रीन मटीरियल इन प्लांट्स दैट ट्रैप्स सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड इट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। विदाउट क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस इज इम्पॉसिबल। क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। नेक्स्ट आपकी होम असाइनमेंट है। होम असाइनमेंट में आपने लिखना है राइट अ डिटेल नोट्स ऑन, या इसका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन फोटोसिंथेसिस। तो इसमें क्या क्या आएगा, लाइट आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, वाटर एंड क्लोरोफिल। ये आपने डिटेल में हर मतलब हर फैक्टर की डिटेल भी लिखनी है साथ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल।